अभी कुछ वक्त पहले उत्तराखंड के हाई कोर्ट का एक फैसला आया कि रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर बन फूलपुरा में जितना भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। उस जमीन पर 4,365 घर हैं, जिसमें ज्यादातर घर मुस्लिमों के हैं। बस यहीं से शुरू हुआ है सारा बवाल। कई लोगों का कहना है कि सरकार एक वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट कर रही है। हल्द्वानी में जमकर प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ के लोगों का कहना है कि ये ज़मीन हमारे पूर्वजों के टाइम से हमारे पास है। उनका ये भी कहना है कि पहले हमें कहीं रहने को घर दिया जाए, तभी हम इस जगह को खाली करेंगे। अब ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ ये भी जानते हैं। 1937 में जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, उस वक्त अंग्रेज़ों ने यहाँ के कुछ लोगों को यहाँ की ज़मीन लीज पर दी थी, वो भी 30 साल की, और टाइम टाइम पर ये लीज बढ़ती रही। दावा है कि वोट बैंक के चक्कर में 2016 में इस ज़मीन को फ्री होल्ड कर दिया गया, मतलब जो लोग वहाँ रह रहे थे उनका उस पर मालिकाना हक हो गया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस अतिक्रमण के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। साल 2016 में उत्तराखंड हाई कोर्ट की कड़ाई के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने अवैध कब्जेदारों के खिलाफ पहला मामला दर्ज कराया, लेकिन तब तक 50,000 लोग यहाँ रहना शुरू कर चुके थे। कहा यह भी जाता है कि 2016 में इस मामले ने तूल पकड़ा था। वहाँ के कुछ घरों को खाली कराया गया था। उस वक्त लोगों के घरों के नीचे रेल की पटरियाँ तक निकली थीं। उसी वक्त 2016 में हाई कोर्ट ने अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया, तो ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन डालने को कहा और सारे पक्षों की बात सुनने को कहा। सबका पक्ष सुना गया। अब फिर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हटाने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर के अपने आदेश में ये लिखा कि 9 नवंबर 2016 को भी रेलवे को ये निर्देश दिया गया था कि रेलवे की ज़मीन पर अवैध कब्जा हटाया जाए, लेकिन 2016 के अवैध कब्जे के खिलाफ राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका डाली, जिसे 10 जनवरी 2017 में खारिज कर दिया गया था। सारे पक्ष और दस्तावेज देखने के बाद हाई कोर्ट का कहना ये है कि ये ज़मीन इन लोगों की नहीं, ये ज़मीन रेलवे की है। अब यहाँ के लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, आयुष्मान भारत कार्ड है। वैसे इन कागजात के अलावा इस जगह पर सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और तो और यहाँ के लोगों के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? इसका मतलब सरकारों ने सही से काम नहीं किया, फिर चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, और अब भुगतना आम इंसान को पड़ रहा है। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहें आज तक डिजिटल।